हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेडीज़ ट्रैवल बैग बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, किस प्रकार से हम ट्रैवल बैग बनाते हैं। और बैग को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये मेरा 1.5 मीटर कपड़ा है, और ये बद्दी है, और 3 मैंने चैन ली है, 3 मैं चैन का यूज़ करूँगी। और ये हम मैंने बद्दी में लगाने के लिए कुछ 2 छल्ले लिए हैं, और ये मैंने लॉक लिया है जो हमारी बद्दी को छोटी या बड़ी करेगा, और ये मैंने फोम ली है। इन चीज़ों से मैं बैग बनाऊँगी। और आइए अब पहले हम बैग की कटिंग करते हैं, किस प्रकार से हम बैग की कटिंग करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करना है, हमें कपड़े को एक बार फोल्ड करना है। ऐसे मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद जैसे कि हमें लेंथ लेनी है इसकी 17 इंच, और मैंने इसकी लेंथ 17 इंच ली है। यदि आप इसे बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसकी लेंथ ज़्यादा ले सकती हैं। और इसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई 16 इंच ली है, चौड़ाई भी आप ज़्यादा ले सकती हैं। और ऐसे हमें 16 इंच पर निशान लगाने हैं, और ऐसे हमें ये सीधा कर लेंगे ऐसे, और सीधा करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि मैंने बैग की चौड़ाई 16 इंच ली है, तो हमारे उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, तो वो टोटल हमारी 12 इंच बैग की चौड़ाई बचेगी। तो आप उसी के अनुसार कपड़ा लें, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ 4 इंच हमारा कम हो जाएगा सिलने के बाद, और ये आपको सिलाई के बाद ही पता चलेगा कि हमारा कैसे कम होगा। और ऐसे ही हमें इसे नीचे से भी अलग कर लेना है, क्योंकि हमारे ये 2 पर्दे हैं, और इसी तरीके से हमें 4 पर्दे निकालने हैं जो हमने ये पर्दे निकाले हैं 17 इंच लेंथ और 16 इंच चौड़ाई के। ऐसे हमें 4 पर्दे निकालने हैं इसमें से, और इसी तरीके से 2 पर्दे और काटने हैं। हमें टोटल इसके 4 पर्दे लेने हैं इसके, ऐसे रखने के बाद, और इनकी भी हमें सेम ऐसे ही कटिंग करनी है। यदि आप चाहें तो नीचे जो हम नीचे का कपड़ा लगा रहे हैं हम सेम ऐसा ही लगा रहे हैं, तो आप अंदर का कपड़ा दूसरी तरह का भी लगा सकते हैं। और ऐसे हमने इन 4 पर्दों की कटिंग कर ली है, और इसके बाद हमें 2 पर्दे और लेने हैं जो हमारे जो हम चैन लगा रहे हैं उनके लिए हम पॉकेट बनाएंगे। तो पॉकेट बनाने के लिए हमें 2 पर्दे और निकालने हैं, और हम ऊपर से जो हमने 4 पर्दे लिए हैं तो हमें ऊपर से ये हमारे 5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद हम लेंथ लेंगे कि हमारी कितनी लेंथ है। जैसे कि हमारी लेंथ है 12 इंच, तो हम जो पर्दे की लंबाई लेंगे वो 12 इंच लेंगे, और जो चौड़ाई लेंगे इससे हम 3 लेंगे वैसे तो, पर मेरा कपड़ा कम है तो मेरी जितनी भी आएगी मैं इसकी चौड़ाई उतनी ही लूँगी। और ये हम इसके साइड में फ्रंट पे 2 पॉकेट लगाएंगे। और जैसे कि मेरा ये कपड़ा है और मेरा टोटल ये ही कपड़ा बच रहा है, तो पहले मैं इसकी लेंथ लूँगी वो मैं 12 इंच लूँगी, और जो मेरी चौड़ाई रहेगी वो मेरी चौड़ाई आ रही है ये 27 इंच आ रही है कपड़े की, तो मैं ये 27 इंच फुल लूँगी। मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, इसमें से मैं 2 पर्दे निकाल रही हूँ, लंबाई में फोल्ड है ये, चौड़ाई में सिंगल है। तो ऐसे 12 इंच पर हमें ये निशान लगाने हैं और इसकी कटिंग करनी है। और जैसे कि 16 इंच चौड़ाई है तो आप कपड़ा तिगना लें, 48 इंच लें वैसे तो, आप प्लेट भरनी है इसमें हमें, तो मेरा तो 17 इंच है इसलिए मैं 27 इंच सॉरी तो 27 इंच ही ले रही हूँ, इसमें से मैं कम प्लेट डालूँगी। और ऐसे रख के हमें इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ आज बैग बनाने का। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, और जो मैंने ये कपड़ों की कटिंग की है जो ये 2 12 इंच की, ये हम पॉकेट बनाएंगे, और हमारे बैक साइड में भी एक पॉकेट बनेगी और फ्रंट साइड पर भी। उसके लिए मैंने ये कपड़े की कटिंग की है,
और जो हमारा ये कपड़ा है जो बैक का, हमने जो चार पर्दे कट किए हैं इनके ऊपर, हमें ये फ्रंट पे हमारे ऐसे लगेगी ये, और ऐसे इसमें प्लेट भरी जाएंगी और चेन भी लगेगी, ये हमारी पॉकेट बनेगी। ये हमारे दो पर्दे हैं, ऐसे इसमें हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। और इसके बाद हम फॉर्म कट करेंगे। फॉर्म हमें दो कट करनी है, ये हमने 4 पीस लिए हैं कपड़े के, और फॉर्म के हमें 2 पीस लेने हैं। और सबसे पहले हमें कपड़े को रखना है, और इसके बाद फॉर्म को रखना है, फिर इसके बाद कपड़े को रखना है। ये हमारा सिल के तैयार एक पर्दा होगा, और ऐसे ही एक पर्दे को और तैयार करना है, ऐसे रखना है। और रखने के बाद हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें इसमें चारों तरफ ही सिलाई लगानी है। आप जितनी भी बैग की चौड़ाई रखना चाहती हैं उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलें। 16 मैंने ली है तो मेरी टोटल 12 इंच ही सिल के तैयार होगा फ्रंट। और इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें जो हमारी एक्स्ट्रा ये आ रही है फॉर्म, इसको हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमें इसमें और सिलाई लगानी है। हम इसमें एक सेंटर पॉइंट पे सिलाई लगाएंगे इसमें, इसके हमें एक सेंटर पॉइंट पे ऐसे सिलाई लगानी है, और फिर दूसरी सिलाई हम ऐसे लगाएंगे। हमारे इसमें 4 बॉक्स बन जाएंगे। यदि आप चाहें तो इसमें और भी सिलाई लगा सकती हैं, जितनी आपकी अधिक सिलाई होंगी उतनी ही बैग में मजबूती आएगी, ये फॉर्म अच्छे से जल्दी से ख़राब नहीं होगी। और ऐसे हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। हमें 2 सिलाई लगानी है सिर्फ इसमें, और चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकती हैं। ऐसे मैंने इसमें 2 सिलाई लगाई हैं। और इसके बाद सेम ऐसे ही हमें दूसरे पर्दे को तैयार करना है। मैंने ये दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद हम इसमें पॉकेट बनाएंगे। और पॉकेट बनाने के लिए हमें अलग से 2 कपड़े लेने हैं। आप सेम कलर भी ले सकती हैं, यदि आपके पास दूसरा कलर है तो वो भी ले सकती हैं। मैंने ये ऑरेंज कलर का कपड़ा लिया है, और इसकी जो चौड़ाई ली है वो बैग के अनुसार ली है, और लंबाई मैंने 2 इंच ली है। और इसके बाद हमें इस कपड़े को नीचे रखना है सीधी तरफ से, और जो ब्लैक कपड़ा है इसे हमें उल्टी साइड में रखा है, और ऐसे हमें इसमें प्लेट्स डालेंगे। मेरा कपड़ा कम था तो जो मैं प्लेट बना रही हूँ वो मैं दूरी पर बना रही हूँ, यदि ज़्यादा होता तो 1-1 इंच की प्लेट बनाती, और वो भी बिल्कुल पास में ही। और ऐसे हमें इसमें पूरे में ही प्लेट्स बनानी है। और इसके बाद हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे हमने इसमें प्लेट्स डाली हैं, और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसमें इस तरीके से पॉकेट बनाएंगे, और इसमें हमें अभी चेन भी लगानी है। और चेन लगाने के लिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है ऑरेंज कलर के कपड़े को, और हमें सिलना नहीं है। और ऐसे हमें इसमें जो चेन है वो मैंने उल्टी साइड में रखी है, और कपड़े को मैंने सीधी साइड में रखा है। और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है।
ऐसे हमें इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे ऐसे सीधा करना है, और सीधा करने के बाद एक सिलाई और हम इसके ऊपर लगाएंगे। जो हमारा सिलाई का कपड़ा रहता है नीचे की तरफ, उसे हमें नीचे की साइड में करके ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे पर्दे हैं उन पे हमें ये पॉकेट लगानी है, और चैन लगाने के लिए हम इसे ऐसे रखेंगे और ये देख लेंगे कि नीचे जो हमारा पर्दा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम उसे अच्छे से कर लेंगे और निशान लगाएंगे ऐसे। और ऐसे हमें इस चैन को ऐसे फोल्ड करना है इस पर्दे को, और इसके बाद हमें ऐसे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो हमारा कपड़ा है इसे हम कट भी कर सकते हैं, कट नहीं करना तो ऐसे भी रखें। और ऐसे हमें इस चैन को रखना है, और रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये हमने सिलाई लगा ली है, और इसके बाद हम इसे ऐसे सीधा करेंगे, और सीधा करने के बाद इसकी किनारी पे हम सिलाई लगाएंगे चैन की पे, ताकि चैन है जो हमारी जल्दी से उधरे ना, उसके लिए हम वो ये सिलाई लगाते हैं। और जो हमने ये चैन ली है ये बड़ी है, हम इसे इसलिए कट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सिलाई लगाने में हमें बहुत आसानी हो रही है। हम चैन को इसमें लास्ट में कर देते हैं जिससे हमारी जो ये चैन है अच्छे से आसानी से लग जाती है। ये हमने चैन लगा ली है इसमें, और इसके बाद हम इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है, और उससे पहले हमने चैन है वो हमने कट कर ली है दोनों साइड की। अब हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, और जो हमारी नीचे की प्लेट्स हैं जिन इनका डायरेक्शन जिधर है उधर ही करना है हमें। पहले आप देख लें, और देखने के बाद उसी तरफ आपको इनका डायरेक्शन करना है प्लेटों का, और ऐसे आप सिलाई लगाएं। और इस तरीके से मैंने एक पर्दे को तैयार कर लिया है, और ऐसे ही आप दूसरे पर्दे को तैयार करें। एक पर्दा मैंने आपको तैयार करना बताया था, और दूसरा पर्दा सेम हमें ऐसे ही तैयार करना है जैसे हमने इस वाले पर्दे को किया था, सेम ऐसे ही करना, कोई भी बदलाव नहीं करना इसमें। और सेम हमने दोनों पर्दों को ऐसे तैयार कर लिया। ये हमारी पॉकेट हैं, दोनों पर्दों पे हमने पॉकेट लगाई हैं। और इसके बाद हम फिर एक जिप लगाएंगे, जो हमारी ये मेन जिप रहेगी। ऐसे हमें कपड़े को सीधा रखना है पर्दे को, और जो हमारी ये चैन है चैन को हमें उल्टा रखना है, और रखने के बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ, यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद ये हमारा जो सिलाई वाला कपड़ा है इसे हम नीचे की तरफ करेंगे ऐसे, और करके हम कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे।
और इसके बाद हमें दूसरे पर्दे को लेना है और इसे हमें ऐसे रखना है। जो हमारा पर्दा है उसे हमने, नीचे के पर्दे को हमने सीधा रखा है और ऊपर के पर्दे को हमने इसके ऊपर उल्टा रखा है, और रखने के बाद हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। जो हमारे ऊपर का पर्दा है ये हमारा उल्टा है, और नीचे का जो हमारा पर्दा है ये हमारा सीधा है, और ऐसे रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हमें फिर से इस चैन के ऊपर लगानी है, ऐसे किनारी पर कपड़े की किनारी के ऊपर लगानी है। और जो हमारी चैन है इसे हमें कट करना है, और इधर से भी हमें इस चैन को कट कर लेना है। और इसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारी चैन लग चुकी हैं तीनों। अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। एक इंच हम ऊपर कपड़ा छोड़ देंगे, उसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारी सुई कहीं टूट नहीं जाए, चैन है उसमें, तो हम सिलाई नहीं लगा रहे हैं ऊपर की साइड में। और ऐसे हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है, ऊपर से हमें एक इंच छोड़ देना है। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हमारी मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही थी कि 4 इंच हमारा कम होगा, वो हमारा ऐसे कम होगा, 1/2 इंच तो हम ऐसे छोड़ देंगे जो हमारी सिलाई है उस पर, और उसके बाद 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। टोटल हुआ हमारा 2 इंच, और 2 इंच ही हमारा दूसरी साइड में जाएगा, तो 4 इंच हमारा ये कम होगा। और ऐसे ही हमने इसकी लंबाई भी 4 इंच ली है, और चौड़ाई भी हमें, सॉरी, जो मैंने निशान लगाया है इसकी लंबाई में भी 1.5 इंच लगाया है, और चौड़ाई में भी मैंने इसमें 1.5 इंच ही लगाया है। हमें 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है सिलाई का निशान छोड़ने के बाद, और ऐसे हमें इसमें कट करना है। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, या तो आप पहले कट कर लें, और दूसरा तरीका मैं नीचे की साइड में बताऊँगी, जो मैं नीचे से ऐसे कोना बनाऊँगी उसमें। पहले मैं आपको ऐसे सिंपल बता रही हूँ, हमें ऐसे कोने को बनाना है, और ऐसे हमें इसे आपस में मिलाना है। और मिलाने से पहले हम इसमें जो अपनी बद्दी लगाएंगे बैक की, और उसे लगाने के लिए हमने जो 2 छल्ले लिए हैं, और हमें ऐसे बद्दी काटनी है 2.5 इंच, सॉरी 3 इंच हमें इसकी ऐसे लंबाई लेनी है, और इसे हमें ऐसे ऐसे डालना है इसमें, और ये हम सीधी तरफ में रखेंगे, ऐसे हमें रखना है, सेंटर पॉइंट पे हम रखेंगे इसे। और ऐसे रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। अच्छे से देखते हुए कपड़े को, ये हमारी कई परत हो गई हैं इस कोने में, तो देखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हमने इस कोने को बनाया है बैक के को, और ऐसे ही आपको सेम दूसरी साइड में भी बनाना है। ऐसे ही आप दूसरी साइड में बनाएं। मैंने दोनों साइडों में बना लिए हैं, और इसके बाद मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। ऐसे ही कोने बनाने का नीचे की साइड में, ऐसे हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हम ऐसे ये सेंटर पॉइंट मिलाना है, जो साइड की सिलाई का है और नीचे की सिलाई का, ये आपस में हमें मिलाना है। और मिलाने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, वो हम 2.5 इंच पे लगाएंगे, 2.5 पे, और ऐसे हम उसे ऐसे सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद जो हमारा ये निशान है इस पर हमें सिलाई लगानी है, हम बाद में कट करेंगे, ये और भी आसान है। पहले आप सिलाई करें, उसके बाद आप कटिंग करें।
इससे ये है कि जो कपड़ा है वो सही तरीके से सिल जाएगा। यदि आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। अब हम कपड़े को कट कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही करना है। 2.5 इंच पे निशान लगाना है और ऐसे हमें सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े की कटिंग करते हैं ऐसे। अब हमने ये नीचे की साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधा करेंगे। बैक को सीधा करने के बाद हम इसमें बद्दी लगाएंगे। देखिए ये हमारी पॉकेट हैं दोनों साइड में। अब हम इसमें बद्दी लगा रहे हैं और बद्दी लगाने के लिए हमें इसे ऐसे रख करना है और इसमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद दूसरी साइड में हमें ये लॉक लगाना है इसमें ऐसे। ये हमारा ऊपर की साइड में आएगा और इसके बाद हमें इस छल्ले में ये बद्दी को करना है ऐसे। और इसके बाद जो हमारा ये लॉक है बद्दी का, इसे हम उल्टी साइड में ऐसे अंदर की तरफ करेंगे। जो हमारा बीच का है ये, इसे बीच में ये हम बद्दी को डालेंगे और इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। और आप ध्यान रखें कि जो सिलाई हम लगा रहे हैं, जो हमने बद्दी को फोल्ड किया है उसी में लगा रहे हैं, दोनों बद्दियों में नहीं लगा रहे हैं। ये हमारी पॉकेट है दोनों साइडों की। और ये हमारी ऊपर की चैन है मेन। और ये हमारी बद्दी है और इसे हम ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जो हमने लॉक लगाया था ऐसे। और आपके सामने लेडीज़ ट्रैवल बैग सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।